बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा। मैं बिलासपुर से आया हूँ गुरु जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। बताइए, आप खुद समझ लो गुरु जी क्या है क्या नहीं है। क्या है क्या नहीं है, हम तो समझ गए। अब तुम बताओ, कुछ बचा हो तो बताओ, तो हटा दे। आप कोई कष्ट आपको हो, मेरा लड़का पूरा शरीर में आपके साथ। लड़का नहीं, पहले अपने में रहिए। ये तुम्हारे नाभि के आसपास सारे जो कष्ट रहते थे, अब कुछ है बचा? नहीं। पूरा शरीर में जॉइंट पेन था, कुछ बचा? कोई कष्ट बचा आपको? कुछ नहीं बचा, एकदम अच्छे पवित्र। मेरा लड़का एक भी बात नहीं मानता है यहाँ से। क्यों माने लड़का आपकी बात, क्यों माने? हो सकता है लड़का सही बात कर रहा हो, आप गलत कर रहे हो, तो लड़का ही क्यों माने? आप क्यों नहीं माने लड़के की बात? ये कोई बात नहीं होती, सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए आपस में विचारों का। वो गोद नामा ले हैं उसको। है? किधर है, बुलाओ, इधर आओ, तुम्हारी मम्मी परेशान है, अंदर आओ। कहाँ है बेटा इनका? ये कौन है आपके? हस्बैंड है। हस्बैंड है, कौन कहना नहीं मानता, यही नहीं तो फिर बेटे बुलाए ना। बेटा कहाँ है? सुबह से यहाँ नहीं है, भाग गया इधर। हाँ। कोई बात नहीं, आप उसको ढूंढो। अच्छा, हम ढूंढने चल के, ये और अच्छी ड्यूटी है। अब वो गंदगी उसका गया। अच्छा, आपके वो लेपन की आवश्यकता है, ठीक है, वो बाहरी घूम रहा, अभी आ जाएगा घूम के। बहुत सारा आप भाई के लड़के को लाया जाए पकड़ के, भाई कहीं से लाओ भाई लड़के को, इनके लाया जाए। सब करता है सर। कहाँ है भाई इनका लड़का? आ गया, आओ देखो, आ गया, आ गया लड़का, देखो तुम्हारा कितना सुंदर है। खुश रहिए। क्या नमस्ते बाबा जी। खुश रहो बेटा, क्या नाम है आपका? रमन पटेल। मम्मी तुम्हारी कितना परेशान हो रही तुम्हारे लिए। खुश रहो, आंखें बंद करो। बाबा जी थोड़ा नशा करता है। आप छोड़िए, आप दोनों हटे। क्या नाम है आपका? रमन पटेल। रमन, अरे पहले से रमन लगा रखा तुमने? नहीं, खुश से। ठीक है, तो क्या नशा करते हो, क्या नशा करना अच्छा लगता है? खुल के बात करो हमसे। खुल के? हाँ खुल के बात करो, कौन सा नशा करना अच्छा लगता है? वैसे तो कोई अच्छा नहीं लगता, बस फ्रेंड सर्कल में उल्टा सी है। कोई बात नहीं, तो क्या कराते हैं फ्रेंड्स नशे में? ड्रिंक्स। ड्रिंक कराते हैं, और कुछ भी? और स्मोकिंग। हाँ, और बस? और कुछ? बस हो गया, एक चीज और। कोई बात नहीं, पोल नहीं खोलेंगे हम, ठीक, आंखें बंद, जो जो करते थे सब आंख बंद करके वैसे ही करो, दोस्तों के साथ जैसे बैठे हो और कर रहे हो अपना ड्रिंक और स्मोकिंग एंड अदर्स जो भी। ओम सभी इसकी स्मृति नष्ट, शिव सभी सुचारण फैला दिया जाए, सभी प्रकार के सभी नशे जो करता था दोस्तों की संगत में बैठ के सब नष्ट कर दीजिए, सभी का आस्वादन नष्ट कर दीजिए, घृणा पैदा की जाए उन दोस्तों से, नफरत फैला दीजिए सभी खिलाफ, जो दोस्त उसको नशा कराते हैं उन सभी से उच्चाटन। ओम शिव। माता पिता से जो दूर रहने की इसकी इच्छा होती है, अकेले रहने की, वो नष्ट की जाए। जो इसके अंदर भाव आते हैं कि मेरे माता पिता नहीं है ये, वो भाव नष्ट कर दिए जाए, नष्ट करके सेवकाओं के लिए इसका योनि परिवर्तन किया जाए। ओम शिव। बैलेंस पुरुष योनि रखा जाए, पूरा पूरा बैलेंस। बैलेंस
दायित्वों की सभी स्मृतियाँ नष्ट की। पांच बार बोलो बेटा नमः शिवाय, सभी कर्म भोग कर्म बीज निष्क्रिय कर दें सदस्य के लिए। रमन आप आंख बंद करके देखो, कोई भी नशा करने की इच्छा हो रही है? नहीं, थॉट्स नहीं आ रहे। अब थॉट्स भी नहीं आ रहे। आपके जो दोस्त आपके साथ बैठ के सब करते थे, अब देखो उन दोस्तों के प्रति क्या भाव आ रहा है। आंख बंद करके चेक करो, उन दोस्तों को देखने की कोशिश करो क्या भाव आ रहा है उनका। मिलने का मन कर रहा है उनसे, बैठने का उनके साथ, घूमने का कुछ मन कर रहा है उनके साथ, संबंध रखने का मन कर रहा है? थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ रहा है। चिड़चिड़ाहट मालूम हो रही है उनसे, मतलब दूर रहने का मन कर रहा है उनसे। चेक करो उनके साथ रहने का, घूमने का कुछ मन कर रहा है? ठीक है, खुश हो, प्रसन्न हो, मस्त। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोड़ शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए। माँ बाबा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे सदा यूं ही बरसती रहे। हरिहर।